हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपको याद है वो कंपनी जो हमारे व्यूअर ने सवाल पूछा था जिसका नाम था जावेद क्रेडिटर, तो उस पर आधारित सवाल हम आगे भी देखेंगे। तो आइए टैली प्राइम को ओपन करते हैं और उसी कंपनी को हम ओपन करेंगे और उसमें जो एंट्रीज इन्होंने दी हैं उनको देखेंगे, ठीक है। जो ये कह रहे हैं कि ये एंट्रीज कैसे होंगी, तो इसमें पहला जो एंट्री है ना वो दिया गया है परचेज 20 स्टॉक आइटम्स फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग क्रेडिटर्स, तो पहले तो उस कंपनी को ओपन करना है, जावेद क्रेडिटर जो कंपनी है उसको ओपन करेंगे। तो यहां पर जे प्रेस करते हैं एक बार, तो यहां पे देखिए जावेद इंटरप्राइजेस करके था जावेद, ठीक है। तो यहां पे जावेद इंटरप्राइजेस जो कंपनी है इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर नो वाउचर एंटर्ड दिखा रहा है तो हमें वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कह रहा है ना कि परचेज किया गया है 20 स्टॉक आइटम। अब 20 स्टॉक आइटम में क्या क्या चीजें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक समरी के अंदर। जब आप आते हैं यहाँ पे देखिए ये स्टॉक समरी है हमारी, तो स्टॉक समरी में आपको अभी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है कि हमारे पास कोई भी स्टॉक आइटम है नहीं। तो स्टॉक आइटम एक बार बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, स्टॉक आइटम को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉक आइटम हमें बनाना है वो है हार्डवेयर, ये स्टॉक ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं क्या ग्रुप बना है, अगर नहीं बना होगा तो हम दोबारा से बना लेंगे। तो यहां से आएंगे और स्टॉक ग्रुप पे आएंगे, तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और इंटेल का ग्रुप जो है बना हुआ है, तो हमें सिर्फ इसके अंदर एंट्रीज करनी। इसके बाद स्टॉक आइटम बना है क्या, तो इसको देखने के लिए यहां पर आएंगे। तो देखिए स्टॉक आइटम भी बना है लेकिन इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस डाला नहीं है जिसकी वजह से यह दिक्कत हो रही है। तो ओपनिंग बैलेंस डाल लेते हैं, कैसे डालेंगे, तो यहां कंप्यूटर में यहां पे देख सकते हैं ये 10 दिया गया है, यहां पे एनओएस कितना दिया गया 10, लेकिन यहां पे रेट भी डालना जरूरी है तो यहां पे रेट भी डाल देते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो कितने का है, तो जो भी रेट होगा वो यहां पर आएगा। लेकिन क्या अगर हम स्टॉक समरी में जाते हैं तो यहां पे कुछ भी दिखाई देता है, अगर हम यहां पर रेट ना डालें और स्टॉक समरी के अंदर जाएंगे तो यहां पर कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी आप स्टॉक आइटम बनाएंगे और ओपनिंग क्वांटिटी नहीं डालेंगे, रेट नहीं डालेंगे, तब तक आपको स्टॉक समरी के अंदर कोई भी चीज, कोई भी स्टॉक आइटम का मतलब ये नजर नहीं आएगा कि वो कितना है, आपके पास कितना मौजूद है, ये चीज नजर नहीं आएगा। कब नजर आएगा, जब स्टॉक आइटम की क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, तो टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एंट्री तब कैसे करेंगे, तो आप या तो परचेस करेंगे और नहीं तो आप डायरेक्टली यहां पर आकर के, यानी अल्टर पर आकर के जो स्टॉक आइटम बनाया है उसमें अल्टर कर लेंगे, यानी कि यहां पर आकर के। और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर कितने अमाउंट में है ये देख लेना होगा हमें, तो कंप्यूटर का सबका 10-10 ओपनिंग क्वांटिटी है, ठीक है। तो रेट भी डाल देते, तो कंप्यूटर का रेट है मान लीजिए 30,000, एक का रेट है तो ये 30,000 डाल दिया, तो ये हो गया कंप्यूटर। और कीबोर्ड भी 10 ही है, तो यहाँ पे 10 तो हमने ऑलरेडी डाल रखा था उसी दिन। अब यहाँ पे कीबोर्ड की प्राइस 200 डाल देते हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से 2000 की वैल्यू बन जाएगी। मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं, तो मदरबोर्ड यहाँ पर एंटर करके आएंगे और मदरबोर्ड जो होगा यहाँ से पहले बाहर आते हैं, ये हमारा मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड ले लेते हैं, एंटर करते हैं एंटर करके यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पर जब आएंगे तो एक मदरबोर्ड है कितने का, 14,000 रुपए का, तो यहाँ पे 14,000 एंटर करेंगे तो यहाँ पर मदरबोर्ड की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर हम स्टॉक समरी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये चीजें नजर आएंगी, ठीक है। लेकिन यही चीज पहले नजर नहीं आ रहा था लेकिन अब नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक आप आइटम का रेट वहां नहीं डालेंगे तब तक वो आपके स्टॉक आइटम में शो नहीं करेगा, ठीक है ना, स्टॉक समरी में शो नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब आगे क्या करना है, आगे कह रहा है ना 20 स्टॉक आइटम परचेज किया गया है, ठीक है, 20 स्टॉक आइटम परचेज किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी है, हमने परचेज तो इसमें दिखाई दिया है स्टॉक आइटम, अब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है सेल 6 कीबोर्ड्स को सेल किया गया है, ठीक है, 4 कंप्यूटर्स को सेल किया गया है और 5 मदरबोर्ड को सेल किया गया है, सभी डेटर को, ठीक है। तो अभी यहां पर हमें जाना है बाहर और यहां से वी बटन प्रेस करना है और सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस कर लेना है। तो यहां पर ये अब देख सकते हैं, ये अब डेटर पार्टी हमें लेनी है, तो क्या हमने कोई डेटर पार्टी बनाया है ये भी देखना होगा, डेटर पार्टी हमने बनाया या नहीं बनाया है। तो देखिए बशीर हार्डवेयर जो है ये डेटर पार्टी हमारी, तो बशीर हार्डवेयर का यहाँ पे लेजर इंसर्ट करते हैं, ये हमारी डेटर पार्टी है, एंटर करेंगे। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो ये मैंने बताया था कि ये डेटर पार्टी है, ठीक है। डेटर पार्टी का ग्रुप संडी डेटर होता है, जब बनाएंगे लेजर
तो संडी डेटर का ग्रुप रखेंगे और यहां पे क्या आएगा सेल्स अकाउंट आएगा। तो ये हो गया सेल्स अकाउंट और एंटर करेंगे एस प्रेस करेंगे सेल्स अकाउंट आ जाएगा। एंटर करिएगा, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब यहां पर आपको हार्डवेयर लेना है तो एच प्रेस कीजिए, मदरबोर्ड लेना है जो भी लेना है यहां पे ले सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर तो हमारा ग्रुप है लेकिन तीन आइटम हमने बनाए थे स्टॉक आइटम, एक कंप्यूटर कीबोर्ड और मदरबोर्ड। तो क्या लेना है इसमें, तो यहां पर कह रहा है ना कि 6 कीबोर्ड सेल किए गए हैं, 4 कंप्यूटर सेल किए गए हैं और 5 मदरबोर्ड। तो यहां पर 6 कंप्यूटर करेंगे तो 10 कंप्यूटर है, 6 हम बेच देते हैं, ठीक है। बेचने का रेट क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए हम यहां पे 36,000 पे इसको सेल कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहां पर जो है भाई, जाहिर सी बात है जिस अमाउंट में जिस हिसाब से हमने परचेस किया उससे ज्यादा का ही बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। फिर इसके बाद जो दूसरा है यहां पर कंप्यूटर 6 नहीं है, यहां पर देखिए ये कंप्यूटर जो है यहां पर दिया गया है, जो इन्होंने दिया है 4 कंप्यूटर है और 6 कीबोर्ड है। तो यहां पे कंप्यूटर का अमाउंट चेंज कर देते हैं, यहां पे 4 ही कर देते हैं, तो ये 4 हो गया। एंटर किया। और यहां पे कीबोर्ड की बात कर लेते हैं तो कीबोर्ड 6 है तो 6 कर दिया और कीबोर्ड की प्राइस यहां पे ₹340 कर देते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचा हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मदरबोर्ड। तो यहां एम प्रेस करते हैं मदरबोर्ड आ जाएगा। अब अमाउंट कितना सेल करना है मदरबोर्ड का, तो देखिए अमाउंट जो दिया गया है यहां पर वो दिया गया है 5, तो यहां पे 5 दे देते हैं और यहां पर रेट डाल देते हैं 22,000 का एक मदरबोर्ड, तो ये हमने डाल दिया और इस तरीके से ये सेलिंग हो गई, ठीक है। अब एंटर करेंगे। यहां पे नरेशन डाल सकते हैं कि नरेशन क्या डालेंगे, द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट CREDIT। तो ये हो गया सोल्ड ऑन क्रेडिट और इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने। तो जब एक्सेप्ट करा लेंगे तब जो है ये एंट्री पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। एंट्री तो पूरी हो जाएगी लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको फिर स्टॉक समरी जब देखेंगे तो स्टॉक कम होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यानी जो जो सेल कर दिया वो तो घटेगा। तो अब यहां पर अगर मैं एस प्रेस करके आता हूं तो यहां पर चीजें आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी। अब देखिए कंप्यूटर 6 यहां पे दिख रहा है, 10 था ना 6 दिख रहा है, 4 यानी कम हो गया। कीबोर्ड की स्थिति देखते हैं, यहां पर कीबोर्ड कितना है हमारे पास उसको देख लेते हैं। तो यहां हार्डवेयर में आते हैं, हार्डवेयर में यहां पर देखिए कीबोर्ड केवल 4 ही बचा हुआ है, 6 सेल हो गया तो 4 ही बचा। इसके अलावा मदरबोर्ड की स्थिति देखते हैं क्या बनी हुई है, तो यहां मदरबोर्ड भी 5 ही बचा हुआ है, यानी ये अपने आप कम हो जा रहा है। अगर आप स्टॉक का जो क्वांटिटी है ये यहीं पे डाल देते हैं स्टॉक आइटम बनाते वक्त, तो जो है ये आपके टैली सॉफ्टवेयर में रिसीव हो जाएगा स्टॉक आइटम और तब आप एंट्रीज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आजकल ऐसे भी काम हो रहा है तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पूरी बात तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी कि ये डेटर पार्टी क्या है और किस तरीके से ये एंट्रीज होंगी, कब सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, कब डेटर पार्टी का लेजर लगाएंगे, कब क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे और साथ ही साथ कि ओपनिंग स्टॉक किस तरीके से शो करेगा आपके कंपनी में, सिर्फ डाल देने से तो शो नहीं करेगा, किस तरीके से आपके कंपनी में आ जाएगा ये सारी ही बातें उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट होता हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।